पूरा पूरा इंसान की तरह काम करता है, और इसका टेस्ला का मोटरसाइकिल भी है, देख रहे हो ना। तो ये टेस्ला का मेरे भाई। हेलो दोस्त, नमस्कार, मेरा नाम विशाल शर्मा, स्वागत है आपको विशाल कार मैकेनिक में। मैं हूँ गोरखपुर इंडिया से। आज भाई आपको पूरा इलेक्ट्रिकल कार दिखाऊंगा, जिसको हम कहते हैं टेस्ला। ये जो पूरा कार जो है पूरा इलेक्ट्रिकल है, ना इसमें इंजन का प्रयोग हुआ है, ना इसमें इधर का प्रयोग किया गया, ठीक है। अन्य गाड़ियाँ देखें हाइब्रिड, जो इंजन का भी प्रयोग होता है उसमें इलेक्ट्रिसियन का प्रयोग किया जाता है, बट ये फुल का फुल इलेक्ट्रिकल है। माफी, इसमें इंजन है ना ईंधन है, इनका प्रयोग किया ही नहीं जाता। आज भाई इसी टेस्ले का, खासकर अपने मैकेनिक भाई आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको इसका इंजन पूरा रिव्यू दूंगा, आप वीडियो क्लास तक बनो। आप इसका इंजन देख लो, इंजन में पार्ट में कौन कौन पार्ट से आता है, कौन मैकेनिकल है, कौन पूरा इलेक्ट्रिशियन है। आओ, मैं आज आप टेस्ला के शोरूम में घुस गया हूँ, जो इसका इंजन का परिभाषा भी है उसका रिव्यू दूंगा। इंजन का एकदम कार में आपको डेमो रखा गया है, ठीक है, समझने के लिए। तो मेरे मैकेनिक भाई आप लोग डरो मत, मैं आपका पूरा इसका टेस्ला का इंजन का रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जो आप डरेंगे कि यार टेस्ला इलेक्ट्रिकल आ रहा है, तो परेशानी करेगा काम करने में, कोई परेशानी नहीं करेगा मेरे भाई। मैं आपको पूरा एस डेट आपको पहले आपको डेमो दिखा दूँ उसका इंजन का। तो ये टेस्ला का मेरे भाई मॉडल 3 और मॉडल वाई का ये डेमो है, जो इसका इंजन का रखा गया है, पूरा डेमो उसका रखा गया है समझने के लिए। नॉर्मल गाड़ियों जैसे टायर रहते हैं, नॉर्मल गाड़ियों के जैसे टायर है, इसमें ऐसे ही है। इसका डिस्क भी प्रयोग किया जाता है, ब्रेक भी प्रयोग किया जाता है, डिस्क और ब्रेक दोनों प्रयोग होता है इसी गाड़ी में। और तो और इसमें इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग है, देख रहे हो ना, स्टीयरिंग जो है रॉकर स्टीयरिंग बॉक्स है इसका, पूरा असेंबली है इलेक्ट्रिकल है। और जो अन्य गाड़ी में सस्पेंशन का काम होता है, चाहे अन्य गाड़ी में सस्पेंशन रहता है, अपर आर्म रहा, लोअर आर्म, कंट्रोल आर्म, लिंक रॉड, स्टेबलाइजर, देख रहे हो ना स्टेबलाइजर, तो ऐसे इन्हीं गाड़ी में भी है। इसका हब भी है, एस जेट, बॉल जॉइंट, हर एक पार्ट है। जो अन्य गाड़ियों में सस्पेंशन का पार्ट फिक्स रहता है, वैसे इस गाड़ी में भी सस्पेंशन का पार्ट अवेलेबल है। तो मेरे भाई जैसे कि सब पार्ट दिख रही है, एक्सल भी दिख रही है, एक्सल, ठीक है। ये एक्सल रहता है कि टायर को रोटेट करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि आप दिखा दूँ एग्जाम्पल में, इंजन, इसमें इंजन, ये समझो इंजन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क करता है, ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। तो आगे से ये फ्रंट साइड से आप देख ही रियर से दिखा रहा हूँ इसको। इधर बता दूँ एयर कूलर का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये जो पार्ट है, यहाँ कंप्यूटर वाली पार्ट है, वहाँ पे लगा है मोटर, ये फ्रंट ड्राइव यूनिट मोटर है, ठीक है, फ्रंट रही है, ठीक है। इसका सेम रियर भी लगा है, जो ये रियर यूनिट है ड्राइव है मेरे भाई। इसके बाद में आएंगे, सबसे पहले हम इसको फ्रंट साइज समझेंगे। इसमें कूलर प्रयोग किया गया है, जैसे कि आप देखें कि जर्मनी गाड़ियों में, इटालियन गाड़ियों में, चाहे और भी किसी गाड़ी में कूलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चाहे इंजन कूलर रहे, चाहे गियर कूलर रहे, तो कूलर का प्रयोग किया जाता है कि उसके इंजन का ऑयल का टेम्परेचर, कूलिंग का ठंडा रखने के लिए, ठीक है, इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कूलर है मेरे भाई, देखो लोगों, तो कूलर लगा है, इसमें भी लगा है। ये पानी का लाइनर है, ये दोनों पानी का लाइनर है, फ्रंट साइड में पानी का लाइनर दिया गया है, यहाँ पे देखो पानी का लाइनर लगेगा, ठीक है। इसमें पानी का लाइनर फिक्स रहेगा, ठीक है, ये ना समझो पानी का लाइनर नहीं फिक्स रहेगा, पानी का लाइनर फिक्स रहेगा, ए सी जेट सब रहेगा, सस्पेंशन पूरा रहेगा, बट आपका इसमें इंजन नहीं मिलेगा, ना ईंधन मिलेगा, समझ गए। इसमें सस्पेंशन बात कर बता दूँ, जो गाड़ी अप डाउन होती है एरोमेटिक शॉक का, जैसे कि रियर दिखा दूँ मैं, ये फ्रंट साइड का दिखाई दे रहा है, बट फ्रंट का नहीं, रियर देखो, जो एरोमेटिक शॉक है ना, ये एरोमेटिक शॉक है, जैसे जर्मनी गाड़ियों में, इटालियन गाड़ियों में, चाहे तो अब किसी गाड़ी में भी आ रही है, आप लोग रेंज रोवर में, चाहे मर्सिडीज में, चाहे बीएम में, चाहे बेंटली में, और गाड़ियों में आप देखेंगे एरोमेटिक शॉक, समझ गए। इस गाड़ी में प्रयोग किया गया एरोमेटिक शॉक का, एरोमेटिक शॉक को प्रयोग किया गया, और इसको वर्किंग करने के लिए मेरे भाई इसका पंप लगा, जो एरोमेटिक शॉक का पंप होता है, जो ये रहा फिलहाल आपको दिखा दूँ, ये फ्रंट साइड यहाँ लगा रहेगा, जो ये पाइप रहा एयर रिमूव होने के लिए, ठीक है, ज़्यादा एयर रहता है तो उसके यहाँ से रास्ते से एयर रिमूव हो जाता है। ये 12 नंबर पाइप एयर को सर्कुलेट करने के लिए चारों टायरों में के पास जितने सस्पेंशन है वहाँ को एयर पहुँचाने के लिए लगाए पाऊँ, यहीं से पूरा वर्किंग करेगा एयरमेटिक शॉक का, अप डाउन यहाँ से होगा मेरे भाई। और इसमें ABS का भी प्रयोग किया गया, जो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम जो है ABS का प्रयोग किया गया है,
इसमें हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिकल है, ब्रेक भी हैंड ब्रेक है। तो मैं इसका इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक दिखा दूँ। अब मैं इसके रियर आता हूँ मेरे भाई, जो इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक दिख रहे हो ना, इसमें जैसे और गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल का प्रयोग किया जाता है हैंड ब्रेक का, तो इसमें भी हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाए, ठीक है। ये तीसरा कैलिपर ब्रेक का, और इसका यहाँ पर देखो मैं बताओ, अब बता दे रहा हूँ इसका रियर ड्राइव यूनिट है, ये जो पार्ट है रियर ड्राइव यूनिट है, वो पार्ट जो है फ्रंट ड्राइव यूनिट है, समझ गए। तो एक तरफ बता दूँ, एक तरफ बताऊँ मेरे भाई, यहाँ पर लगाए गरारियाँ, इस जगह पे हिस्से के पास लगाए गरारियाँ जो एक्सल को रोटेट करता है। मैं बता दूँ यहाँ पर लगाए मोटर, यहाँ पर लगाए कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर के मदद से ये मोटर रोटेट करेगा। यहाँ पर लगाए गरारी, जो ये रोटेट करेगा मेरा भाई, तो यहाँ के गरारियाँ भी घूमना शुरू करेगा। जब गरारी घूमेगा तो एक्सल भी उसी में फिक्स है मेरा भाई। तो ये रियर यूनिट ड्राइव है, और फ्रंट यूनिट ड्राइव वहाँ पे रहा, वो स्मॉल रहा, ये बिग रहा मेरा भाई, ठीक है, ये बड़ा है, उससे बड़ा ये है जो ड्राइव है, रियर ड्राइव यूनिट है, फ्रंट साइड से बड़ा है। इसको खोलने के लिए मैं बता दूँ मेरे भाई, पूरे से नीचे से क्लास बम्बर आपको नीचे खोलना पड़ेगा, ऐसे जो आपको नीचे क्लास बम्बर निकाल नीचे उतारना पड़ेगा, तब इसका काम आपकी आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे मैं कह रही भाई, डरने की कोई बात नहीं है, आपको काम करना है, बहुत केयरफुल होकर काम करना है इसमें, ठीक है। केयरफुल होकर काम नहीं करेंगे तो इसमें आपको करंट मार देगा। 440 वोल्ट नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें वोल्ट आएगा, जो आदमी को मार भी सकता है, याद रखना। तो इसका काम करने से पहले बता दूँ, जो इसका मेन वायर है वहाँ से आपको पूरा वायर खोलना पड़ेगा, जो मेन वायर रहेगा वहाँ से आपको निकाल कर ही इसको डिसकनेक्ट करके आपको काम करना पड़ेगा, जहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल वर्किंग करे ना, ठीक है, नहीं तो आपको खतरा हो सकती है मेरे भाई। जैसे कि आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो का दिया है, कोई सा वायर आपको टच करेगा तो करंट मार देगा मेरे भाई, समझ गए। कोई सी भी वायर टच करेगा तो आपको करंट लगना है तो लगना है, याद रखना शुरुआती का, समझ गए। अब मैं बता दूँ भाई, जब इसमें इंजन में इंजन नहीं है ना, इसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो गाड़ी को कैसे चार्ज करते हैं, किस आकार में आपको इस गाड़ी को फुल प्रोवाइड किया जाता है मेरे भाई। ये टेस्ला रोबोट का आकार पे गाड़ी चलता है, अगर आदमी का स्टीयरिंग ना पकड़े ना छुए तो आप उसमें लोकेशन डालते हैं, वो गाड़ी आपको एक जगह से दूसरे लोकेशन पर आपको ये गाड़ी आसानी से पहुँचा देगा, कोई खतरा भी नहीं होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा काम जो करता है रोबोट का काम करता है। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले इसका चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। जो ये चार्जिंग का मशीन है देख रहे हो ना टेस्ला, ये देखो मेरे भाई दुबई का है, सुपर चार्ज फॉर सर्विस प्लीज कॉल। तो मेरे भाई अगर कहीं आपका गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया, डिस्चार्ज हो गई है, गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही है, तो इस चार्जर को चार्जर के नाम सॉरी, तो यहाँ पे आप किसी टेस्ला कंपनी में कॉल करके चार्जर के लिए आप बात कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको प्रोवाइड कर देगा। यहीं पर मेरे भाई रोबोट लगा है, पूरा का पूरा रोबोट मेरे भाई बताता हूँ, मेरे भाई इंसान की तरह काम करता है, ठीक है, पूरा पूरा इंसान की तरह काम करता है। एक गाड़ी को बस लोकेशन डाल दो, गाड़ी को बस लोकेशन डालो मेरे भाई, तो गाड़ी एक जगह से दूसरे लोकेशन पर पहुँचा देगा, जो ये रोबोट के कारण बनाया गया, देख लो ना, देख लो एयर आर टेस्ला रोबोट 2023। देख जो इसका बाइक है पूरा पूरा, ये भी इलेक्ट्रिकल है, जो इसका बाइक है इसमें वार्निंग भी दिया है, देखो ठीक है, केयरफुल रहना। देखिए एज 18 से 12 साल के लड़के को नहीं देना चलाने के लिए, ठीक है ना। इसमें वेट लगेगा 50 kg, मेड इन चाइना, देख रहे हो मेड इन चाइना, यहाँ पे वही बात उर्दू में लिखा गया है, ये भी। तो इसको थोड़ा सा हम दबाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, थोड़ा इंसुलेटर लेंगे, इंसुलेटर ला के कि ये मे बी इंसुलेटर ये मेरे भाई, हाँ इंसुलेटर ये आपको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये इंसुलेटरिंग काम करेगा, ठीक है। इंसुलेटर ये एयर आप ब्रेक, ये ब्रेक रहा, ये इंसुलेटर रहा, आपको स्टीयरिंग का इंसुलेटर नहीं है, ये वाला कस्टमाइज लगा है मेरे भाई इसमें, कस्टमाइज। तो बकायदा हम छेड़छाड़ करेंगे, कोई टेंशन वाम नहीं है। अब मेरे भाई आपको इसका कार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मॉडल वाई मॉडल थ्री, जो इस कंपनी में मॉडल वाई और मॉडल थ्री ये है, और
मॉडल एक्स नहीं है, जिसका दरवाज़ा पंख की तरह ऊपर तरह खुलता है वो नहीं है। जो मैं एक वीडियो देखे होंगे मेरे साथ वीडियो इंस्टाग्राम पे कि एक दरवाज़ा ऊपर से खुलता है तो मॉडल एक्स का रहता है मेरे भाई, टेस्ला मॉडल एक्स है जो आपको दिखा दूँ। मॉडल 3 का ब्लू कलर में कितना लुक ज़बरदस्त लग रहा है इस गाड़ी का, लुक देख रहे हो ना, वहाँ रेड रहा, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भाई सिल्वर है। तो इसके अंदर चलता हूँ मेरे भाई, आपको पूरा पूरा एस जेड दिखा रहा हूँ। पहले टेस्ला का लोगो देख लो, ए रहा टेस्ला का लोगो ये। इसका दरवाज़ा कैसे खुलता है मेरे भाई वो भी आपको दिखाता हूँ। आपको देखिए ये लाइन दिख रहा है ना, इस पर ऐसे मर्सी जो मर्सी में आती है ऐसे करने पे टच करने पे वो खुल जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ पे आपको पुश करना पड़ेगा, इसको तो आप ऐसे खोलेंगे इस तरह। तो बकायदे इस गाड़ी में बैठ के मैं आपको इसका पूरा एस जेड दिखा रहा हूँ, अंदर का लुक, अंदर का लुक दिखा रहा हूँ, कैसे स्टेयरिंग काम करता है मेरे भाई, कैसे गाड़ी आगे जाती है, कैसे पीछे होता है, कैसे रिवर्स होता है एस जेड। बट मैं चालू नहीं करूँगा ठीक है, नहीं चालू कर दूँ मुझे मालूम चले ना आगे पीछे कर दूँ गाड़ी को लड़ा दूँ, ऐसा काम नहीं करूँगा। बट आप अंदर से बैठ के आपको पूरा लुक दिखा रहा हूँ इसका, एस जेड पूरा बता रहा हूँ भाई ठीक है। ये मॉडल 3 और मॉडल वाई में स्टेयरिंग व्हील वाला आता है मेरे भाई ठीक है, और जो EX रहता है उसका स्टेयरिंग आता है मेरे भाई बैल का, जो सिंग नहीं होता है उस तरह से आता है छोटा सा। यहाँ पे इसका इतना बड़ा LED लगा रहता है जो ये लोकेशन आता है। अगर इस LED में बता दूँ मेरे भाई, अगर बंदा आगे है ना, अगर गाड़ी आगे चल रही है, कोई बंदा आगे से जा रहा है, चाहे चिड़िया जा रही है, चाहे पंछी जा रही है, चाहे कुछ भी आगे से जा रही है, अगल बगल से गुजर रहा है, तो इस डिस्प्ले में भाई उसका लुक देगा ठीक है कि पक्षी जा रही है, यहाँ से 3 आदमी या 4 आदमी अगर जितने भी आदमी गुजरेगा अगल बगल से वो बता देगा फ्रंट साइड से इतना दूर से इतना मीटर में आदमी खड़ा है, समझ गए। तो ये पूरा पूरा काम मेरे भाई रोबोट की तरह करता है। तो फिलहाल हम आएंगे टच करेंगे, थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे, देखते हैं क्या क्या है। मेरा भी पहला टाइम है मेरे भाई ठीक है इसी गाड़ी का टच करने का ठीक है ना, तो आपके सामने ही टच कर रहा हूँ, देखो क्या क्या टच कर रहा हूँ। डायनेमिक्स कंट्रोल में भाई ऑटो, तो ऑटो गया यार कहाँ गई, आप कर देना है रिकॉर्डिंग दिया, कार वॉश दिया, स्टीयरिंग का दिया, सेंट्री ग्लोबल बॉक्स ये ग्लोबल बॉक्स खुल जाएगा देख रहे हो, ओहो थ्री की ग्लोबल बॉक्स मे भी ऐसे बंदों का। इसका ग्लोबल बॉक्स देख रहे हो कैसे खुला है, फिर से एक बार दोबारा खोल रहा हूँ, ग्लोबल बॉक्स ए खुल गई देख रहे हो ना, बगल में खुल गई, फिर से इसको बंद कर दे रहे हैं, तो बंद कर दिए। अब आएंगे सर्विस में नहीं आएंगे, पूरा लाइनर्स आएंगे, ऑटो पायलट देखो मैं बोला ना, ऑटो पायलट हर गाड़ियों में ऑटो पायलट रहता है, बट इन गाड़ियों में ऑटो पायलट नहीं है। आप जितने भी सेवेट जो ट्रक है ना मेरे भाई, जो गाड़ी सेवेट ट्रक है ना मेरे भाई, उसमें ऑटो पायलट है तो इसमें भी दिखा दूँ, लिखा है ना ऑटो पायलट फ्यूचर बेटर ट्रैफिक अवेयर सर्किट कंट्रोल क्रैश कंट्रोल, अगर ट्रैफिक अवेयर क्रैश कंट्रोल ओके लॉक्स, तो लॉक में इधर मुझे मालूम नहीं, लॉक गोली मारो, इसमें लाइट में आ जाओ मेरे भाई, लाइट में ये फ्यूचर है। अब आएंगे डिस्प्ले में देखो मेरे भाई, डिस्प्ले आप डार्क करना चाहते हैं डार्क हो जाएगी, लाइट करना चाहते हैं तो लाइट हो जाएगा, ऑटो करना चाहते हैं ऑटो हो जाएगा, इसका ब्राइटनेस इतना बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं तो हम ब्राइटनेस थोड़ा लो कर देंगे। अब आएगा ऑटोमेटिक ब्लिंड स्पोर्ट कैमरा। तो मेरे भाई आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और मेरा चैनल अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन घंटी वाला चिन्ह को दबा लीजिएगा। कोई भी लग्जरी कार, जर्मनी कार, इटालियन ब्रिटिश जैसे BMW, बेंटली, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, रेंज रोवर, जितनी भी जर्मनी से लेके A to Z जो भी कार है, जो टेस्ला वीरा, तो हर एक गाड़ी का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन और घंटी चिन्ह दबाए रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुँचेगा मेरे भाई ओके। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसा है ओके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो इतना ही।